मुझे लगता है कि मैं संतोष सिवन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनकी पिछली फिल्म जो हुई थी वो मैंने देखी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, जिसमें जिनेला ने काम किया था और उसके बाद उनकी ये फिल्म आई है। और आई थिंक पर्सपेक्टिव का सवाल है, एक बहुत ही सेंसिटिव इशू को लेकर उन्होंने एक अलग तरीके से बताने की कोशिश की है। और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है मुबीना, वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और मुबीना और संतोष सिवन दोनों को सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दिस। इनम इज अ संतोष सिवन स्पेशल। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज फिल्म्स। आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। आई एम श्योर इट विल बी विजुअली अ पोएट्री एंड स्टिल अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी टू टेल। सो दिस इज वॉट इज स्पेशल अबाउट Santosh's films, that he tells stories that are very important to be told in a social relevance perspective. So I'm so looking forward to. Well, जो भी कुछ देखा हूँ ये संतोष सिवन की फिल्म है, तो सिनेमाटोग्राफी तो बहुत ही बढ़िया है, एंड आई थिंक दैट्स द लीस्ट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम संतोष। पिक्चर एक वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट पर रखी हुई है। द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज करेज होना चाहिए कि लीड कैरेक्टर में एक लड़का है जो डाउन सिंड्रोम के साथ है, एंड आई थिंक दैट इज टेरिफिक।